मना रही हूँ। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्र के लिए जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, शाम के टाइम जो फलहार खाते हैं, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। ये आधा कटोरी साबूदाना मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था, अब ये फूल गए हैं अच्छी तरह से। और ये मैंने आधा लीटर से ज़्यादा दूध लिया है। और ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं, बादाम, काजू और इलायची, इलायची फ्लेवर के लिए लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं। अब हम पतीले में दूध डाल देते हैं। दूध को बॉयल होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। और इस साइड हम एक बर्तन और चढ़ाते हैं, जिसमें हम सावा के चावल के लड्डू बनाएंगे, जो व्रत में खाए जाते हैं। बिल्कुल मोतीचूर के जैसे लगेंगे, खाने में भी और देखने में भी। ये मैंने सावा का चावल लिया है आधी कटोरी, इसे भी मैंने आधे घंटे पहले 3-4 पानी से धुलकर भिगो दिया था। ये इस तरह से दिखते हैं दानेदार। अब इसे हम पानी में, बर्तन में पानी डाल देते हैं। 2 कटोरी पानी डाला है मैंने, उसे बॉईल होने देते हैं। और साथ ही साथ हम ये सवा के चावल इसमें ऐड कर देते हैं। जब ये बनेंगे तो ये और फूल कर बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। फिर इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसे 5 मिनट हम ढक देते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। ये हमारे सावा के चावल का पानी बॉईल हो गया है, देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम खोल कर पकाएंगे। ये चावल बिल्कुल फूल कर पकेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें हम कलर के लिए हल्दी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है वो ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप ना ऐड करिए, इसे सफेद भी रख सकते हैं। आपके ऊपर है आप कौन सा कलर इसमें डालकर इसे कलरफुल बनाना चाहते हो कि सिंपल रखना चाहते हो। अब इधर हम, हमारा दूध भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर दे रहे हैं। साबूदाना को भिगो कर 1 घंटा, आधा घंटा पहले भिगो दिया करिए, जिससे कि साबूदाने फूल जाएंगे और जल्दी पकेंगे। साबूदाना अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाते हैं फूलने पे, इसलिए हमने आधी कटोरी रखी थी, जो 1 कटोरी हो गया है। अब इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी खीर गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें हम 3-4 इलायची को खोल कर इसे डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। और इसमें हमने कुछ काजू और बादाम को टुकड़े में कट कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं, चला देते हैं इसे। जो खीर है वो बनने के बाद साबूदाने की और भी गाढ़ी होती है, तो आप उसी हिसाब से रखिएगा जैसे जितना गाढ़ा आपको पसंद होगा, क्योंकि ये ठंडी होने पे और भी गाढ़ी हो जाती है। इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। चार से पांच बड़े चम्मच, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा। हमने 5 चम्मच चीनी डाली है और इसे चला देते हैं। 3-4 मिनट के अंदर हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। साबूदाना भिगाने के बाद, उसके बाद 10 से 15 मिनट में ये खीर रेडी हो जाती है। अगर आप साबूदाना भिगो दिए हो तो भी ये बहुत जल्दी पककर गल जाते हैं, और नहीं भिगोए हो तो टाइम लगता है इसे, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अपने हिसाब से, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डालिए।
हमने काजू और बादाम डाला है इसमें। अब हम चावल की ओर चलते हैं। हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, देखिए अब इसे उतार लेते हैं। केवड़ा एसेंस डाल के, फ्लेवर के लिए हमने केवड़ा एसेंस डाला है। आप इलायची का पाउडर या गुलाब जल कुछ भी डालिए। अब इसे हम बंद कर देते हैं और फिर इसकी चाशनी बनाते हैं। इसमें हम 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, जिससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये बिल्कुल शाइन वाले लड्डू बनेंगे और चावल खिले खिले से दिखेंगे, दानेदार। अब इसकी हम चाशनी रेडी कर लेते हैं और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म करते हैं और इसमें हम 1 कटोरी से आधा पानी लेते हैं और उसमें हम आधी कटोरी चीनी डाल लेते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, देखिए कितनी गाढ़ी हुई है और साबुदाने की दाने दिख रहे हैं जो बिल्कुल मोतियों के जैसे हल्के हल्के, और साबुदाने की खीर बिल्कुल रेडी हो गई है और ये ठंडी होने पे और गाढ़ी होगी। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इधर हमारी चाशनी भी बॉयल हो गई है। इसको 1 मिनट और हम पकाकर फिर इसमें हम 1.25 के चावल मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारी चाशनी अब ये रेडी होने वाली है। अब इसी में हम अपने 1.25 के चावल डाल देते हैं, तो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और चाशनी में भी सारा फ्लेवर आ जाए। और इसमें हम थोड़े से मूंगफली रोस्ट करके लिया है, उसका पाउडर बना लिया है, इसे भी थोड़ा सा डालेंगे हम फ्लेवर के लिए। इसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है, कभी आप ट्राई करके बनाकर देखिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर हम रूम टेम्परेचर पे रखकर बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसका लड्डू बना के दिखाएंगे। चावल के गुठलियां ना बने, इसको ऐसे मिक्स करना है। चाशनी सूखने तक इसे हम चलाते रहेंगे। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं लड्डू बनाने के लिए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर इसके बाद इसके लड्डू बना के हम आपको दिखाते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दे रहे हैं और इधर हमने बॉयल आलू लिए हैं 4 से 5, जो हमारे आलू छोटे हैं इसकी हम सब्जियां बना रहे हैं, जो फलारी सब्जी बनती है। ये हमने टमाटर लिया है 4 से 5, हरी मिर्च ली है, ये 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। और अब हम सब्जी आपको बना के दिखा रहे हैं। इसमें हम सेना नमक का यूज करेंगे, जो व्रत में खाया जाता है। आप इसको चाहे रिफाइंड से बनाइए चाहे देसी घी से, हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं। एक से 1.5 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला है और इसके बाद हम हरी मिर्च, अदरक और टमाटर को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा घी गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा देते हैं। अब इसमें हम टमाटर और अदरक को घिस कर लिया है और इसको हम इसमें डाल देते हैं कि हमारे जीरा तड़क गया है।
टमाटर और अदरक को भून लेते हैं इसमें। इसमें हम व्रत वाला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार से। हमने इतना लिया है, ये व्रत वाला नमक है। हमारे टमाटर थोड़े गल जाएंगे। अगर आप नमक नहीं खाते हो तो इसमें नमक ना डालें, उसके बिना भी ये सब्जी अच्छी लगेगी। अब इसमें हम आलू डाल लेते हैं। फ्लेवर के लिए हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है छोटी आधा चम्मच, और भुना हुआ जीरा लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। आपको पसंद हो, खाते हो व्रत में तो आप डालिए, नहीं तो इसको स्लिप कर दीजिएगा। अब इसे हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। इसे ज्यादा देर नहीं पकानी होती है फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाती है, क्योंकि हमारे आलू बॉयल हुए होते हैं। इसमें हम हरी धनिया डाल देते हैं। और जो हमने मूंगफली को रोस्ट कर कूटा था उसे भी डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है और सब्जी काफी टेस्टी लगती है। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर चलाते हुए सब कुछ मिक्स कर लेना है जो हमने इसमें डाला है, और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लगता ही नहीं है कि ये व्रत की सब्जी है, इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा सा आता है। अब हम गैस को बंद करते हैं और ये हम सिंघाड़े का आटा लिए हैं फ्रेंड, जो पूरी बनाएंगे जिसकी। ये एक कटोरी हमारा आटा है, इसे हम गूंथ कर रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, हम आटे को गूंथ कर रेडी करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हैं। ये 1 से 2 लोग के व्रत के लिए है। हम पूरी का आटा 2 लोग के हिसाब से रेडी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करें। आप चाहे सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाएं, चाहे कुट्टू के आटे की पूरी बनाएं, टेस्ट में दोनों अच्छे लगेंगे और दोनों ही व्रत में खाए जाते हैं। फ्रेंड, हमारा लड्डू का समग्र जो चावल का हम लड्डू बनाएंगे वो ठंडा हो गया है। अब उसको हम लड्डू बना के दिखाते हैं। हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे जिससे हमारे लड्डू चिपके ना, और जिस साइज का आपको लड्डू रखना है उस हिसाब से आप इसका डो लें और इस तरह हल्के हाथ से इसे रोल करेंगे गोल गोल। ये हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। ये काफी टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल मोती चूर के जैसे। फ्रेंड्स, हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम मगज लगा देते हैं गणेश के लिए। आप चाहो तो इसमें मिक्स भी कर सकते हो। उसके बाद हम कटे हुए बादाम ऊपर से लगा देते हैं। पूरी तलने के लिए गैस को ऑन कर लेते हैं और अपने ऑयल को गर्म होने देते हैं। और सिंघाड़े की आटे की पूरी हम हाथ से ही बनाएंगे। इसका डो हाथ में लेकर मसलते हुए इसे रोल करेंगे, फिर इसे हाथ से पुश करते हुए हम छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे जो हम सब्जी से और रायते से खाएंगे।
वो खाने में काफी टेस्टी लगेगी। इस तरह हम इसकी पूड़ियां बनाएंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है और इसमें हम एक एक पूड़ी डालेंगे मीडियम आंच पे और दूसरी पूड़ी फिर इसी तरह हाथ से दबाते हुए बनाएंगे और फिर इस तरह डालेंगे। फिर इसे हल्का हल्का टर्न करते हुए लाते हुए इसे पकाएंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि हमारा ऑयल पहले से गर्म हो चुका है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इन्हें हम पलटते हुए सेकेंगे। जब तक वो सिक रही हैं, हम अपनी और पूड़ियां रेडी कर लेते हैं। आप अगर इसे हाथ से नहीं बना सकते तो इसे पन्नी लगाकर या ऑयल लगाकर बेलन से चौकी पर बेल सकते हैं क्योंकि ये पक जाती है तो हाथ से ही बनने में बहुत जल्दी हाथ से ही अच्छे से बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी बनकर रेडी हो गई है। ये तलने के टाइम और फूलती भी है। और बहुत जल्दी ये पककर रेडी हो जाती है, बिल्कुल रेड रेड हो जाती है। फ्रेंड्स, हम फ्रूट रायता बनाने के लिए हमने दही को चम्मच से ऐसे फेंट लिया है। हमने आधी कटोरी दही ली है। अब इसमें हम पिसा हुआ जीरा पाउडर डालते हैं, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डालते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, और इसमें थोड़ी सी हम चीनी डालते हैं। आपको चीनी पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो आप इसमें व्रत वाला ही सिर्फ नमक डालिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम अंगूर डाल दिए और इसे मिक्स करते हैं और इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है व्रत में। आपको जो फ्रूट्स पसंद हो वो फ्रूट इसमें डालिए और खाइए। ये बॉडी को ठंडा भी रखता है और खाने को पचाता भी है। तो ये हमारा रायता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये हमारी पूड़ियां बन गई हैं। अब हम आपको सर्व करके सब कुछ दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये व्रत में खाए जाने वाली सामानों की थाली है। देखिए, ये हमने रायता बनाया था जो फ्रूट रहता है। फिर इसके बाद हमने साबूदाने की खीर बनाई थी, ये वो है। ये हमने आलू की सब्जी बनाई थी, ये वो है। सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बनाई थी और समा के आटे के लड्डू बनाए थे। ये हमारी पूरी थाली बनकर रेडी हुई है। आपको ये अगर थाली अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट करें और लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि ये थाली आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।